हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री बाय एएसबी। तो आमे प्रीवियस क्लास रे कौन पढ़ीलु ना, प्रीवियस क्लास रे आमे स्टोइकियोमेट्री रो प्रॉब्लम करथिलु। आउ कौन ना, स्टोइकियोमेट्री ओवरऑल सरी जाइला। तो आज आमे कौन पढ़ीबू ना, लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, तो लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ीबा पूर्व आज आमे कौन जानिबा, चिकेन बिरयानी रो प्रिपेरेशन। ओके, तो हार कौन चिकेन बिरयानी कहले जानीपारे कौन पाई कहे। तो धर तुम माँ आज घरे नहाँ। ओके, सी सका पलैंट तुम शोल तो सी फोन कर कहले, मु फ्रिजे चिकेन मेरीनेट करके रखीदेगी, तू चिकेन बिरयानी बनईदबू, आज जी बनब से हिसाब से तो सांग मानक भी डाकदेबू। ओके, तो चिकेन बिरयानी कथा कहला तुम सब खुशी हो मन मन। तो कौन है ना, तुम्हें कौन ना माँ कहीदेज, तो तुम्हें देखो जो कैसे क्वांटिटी फास्ट कौन, तुम्हें एमती सांग को डाक मैंने कौन सेम मन इच्छा डाकि दबो भी, तो देखो जो कैसे अमाउंट प्रिपेयर हो से हिसाब से तुम सांग मानक डाक। तो बेसिकली चिकेन बिरयानी प्रिपेरेसन हाँ कौन दरकार, धर मुझे लिखी दूसरी प्रिपेरेसन अफ चिकेन बिरयानी। चिकेन बिरयानी कौन कौन मेजर ये था, राइस मेजर इंग्रेडिएंट राइस और चिकेन, आउ से जहाँ से उड़ा छाड़ तो जहाँ है चिकेन बिरयानी है। ओके, तो कौन ना तुम्हें देख लो ना, फ्रिज रे माँ मेरीनेट करी कैसे रखी, 250 ग्राम चिकेन रखी। ओके, तो 250 ग्राम चिकेन रखी, राइस कैसे अच्छी तुम घरे ना, पखापाखि 2 केजी राइस अच्छे। ओके, तो बासमती राइस की जहाँ भी हो 2 केजी बासमती राइस अच्छी, आउ चिकेन अच्छी 250 ग्राम चिकेन। ओके, तो नेक्स्ट कौन है ना, तुम्हें यदि कौन चिकेन बिरयानी प्रिपेयर कर जो, तो जितने राइस ये देख लो तो तुम्हें कौन करिवो ना, यही हिसाब से देखो जो पुणी कहते कौन 500 ग्राम चावल दरकार 250 ग्राम चिकेन बनवाई। ओके, तो कौन ना 500 ग्राम जदि चिकेन ये राइस दरकार है तो कौन ना, तुम्हें ये माइनस कल 500 ग्राम, तो कैसे ग्राम है 750 ग्राम चिकेन बिरयानी है। ओके, 750 ग्राम है, से हिसाब से तुम्हें 3-4 जन को डाकिल। किंतु देखो तुम पाखे राइस रो कौन एक्सेसिव क्वांटिटी थिला, दुई दुई के जी थिला, तुम्हारा ये जो चिकेन बिरयानी प्रिपेरेशन रे मेजर अमाउंट कौटा रहा, मैंने किए डिसाइड कला जे तुम्हें एति ग्राम तुम्हें बनई पार चिकेन, कहीं एति कम अमाउंट रही बुझिपार, तो 250 ग्राम चिकेन अच्छे ये, तो यही हिसाब से तुम्हें जाइस नेल। तो सेमती धर ये मुझे एटी 250 500 ग्राम चावल थिला, एटी चिकेन थिला तुम्हारा बहुत एक्सेस अच्छी, तो कैसे ही था यही हिसाब से तुम्हें नहीं था रिएक्शन, यही हिसाब से तुम्हें चिकेन बिरयानी बनई था बुझिपार, तो जोटा कम अमाउंट रे अच्छी से हिसाब से हो, तो यही जो तुम्हें चिकेन बिरयानी प्रोसेस रो जोटा तुम्हारा चिकेन बिरयानी फॉर्मेशन रो तुमको डिसाइड कला जो फैक्टर टा माने जहार अमाउंट जो रिएक्टेंट रो अमाउंट डिसाइड कला जे रिएक्शन हबो कि नहीं, माने हबो कि नहीं ना, तो कैसे अमाउंट रो हबो सेटा कहती लिमिटिंग रिएजेंट, सेटा कौन कहती लिमिटिंग रिएजेंट, आ जोटा अधिका अमाउंट रो अच्छी कहती एक्सेसिव रिएजेंट, कौन एक्सेसिव रिएजेंट। ओके, तो ये दुटा है कौन लिमिटिंग रिएजेंट एक्सेसिव रिएजेंट। तो चिकेन बिरयानी तो प्रिपेरेशन डाल लो, एबे गोटे जनरल एग्जांपल लेकिन बुझे दबा, धर ए बी रिएक्ट करी कौन फॉर्मेशन कर सी प्रिपेरेशन कर। ओके, तो ये सब स्टोइकियोमेट्री वन अच्छी है, वन ए वन बी सी, तो गोटे मोल गोटे मॉलिक्यूल ए रो गोटे मॉलिक्यूल बी सहित मिसिकी गोटे मॉलिक्यूल सी बनो। ओके, तो धर एटी अच्छी 10टा 10 मोल्स ऑफ ए है, मोल्स ए मोल्स ना मॉलिक्यूल जहाँ भी नहीं पार, 10 मोल्स ए अच्छी बी अच्छी 5 मोल, तो सी प्रोडक्ट कैसे बनी पार, गोटे ए गोटे बी मिसिकी सी हो, तो कतरा जेहेतु 5 मोल हाइस्ट कैसे अच्छे आप 10 मोल अच्छी, किंतु आ पाखे 5 मोल ही अच्छी, तो 5 मोल जी मोल सहित 5 मोल सहित मिसले ही जाइए 5 मोल बनइब, मुझे ये 25 मोल भी नेबी एटी 25 मोल आसीपर कि ये 5 मोल ही अच्छी, तो 5 मोल हिसाब से जाकि प्रडक्ट बनब, तो गोटे ए आ गोटे बी मिसी कौन हो सी हो, तो धर
ଏଠି 50ଟା ଧାନୀ କ'ଣ ଅଛି? ଏଠି 5ଟା ହିଁ ଅଛି, ମାନେ 5ଟା ସହିତ ମିଶିଲେ ଯାଇକି ସି ବନିବ, ଖାଲି ଏ ତ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବନେଇ ଦଉନି। ତ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଏଠି 5 ମଲ୍ ହିଁ ବନିବ, ତ ଏକ୍ସେସ୍ କେତେ ରହିଲା? ଆଉ 5 ମଲ୍ ରହିଲା, ତ ଏଟା ରିଏକ୍ସନ୍ କାମ ଦେଲା କି? ଏଟା କିଛି ରିଏକ୍ସନ୍ କାମ ଦେଲାନି, ଖାଲି 10 ମଲ୍ରୁ ଯେଉଁ 5 ମଲ୍ କାମ ଦେଲା ସେଇଟା କାମ ଦେଲା। ତ ଏଇ 5 ମଲ୍ ଡିଫାଇନ୍ କଲା ଯେ କେତେ ଏମାଉଣ୍ଟର ପ୍ରଡକ୍ଟ ବନିବ, ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଯେତେ ଏମାଉଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ତୁମର ରିଏକ୍ଟାଣ୍ଟ ମାନେ ରିଏକ୍ସନ୍ରେ ଡିସାଇଡ୍ କରିବ, ଯେଉଁ ରିଏକ୍ଟାଣ୍ଟର କୋଇଫିସିଏଣ୍ଟ ବା ଯେଉଁ ରିଏକ୍ଟାଣ୍ଟର ଏମାଉଣ୍ଟ ଡିଫାଇନ୍ କରିବ ନା କ'ଣ ପ୍ରଡକ୍ଟର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି, ସେଇଟା ହେବ ଲିମିଟିଂ ରିଏଜେଣ୍ଟ। କ'ଣ ଲିମିଟିଂ ରିଏଜେଣ୍ଟ? ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ଏକ୍ସେସିଭ ରିଏଜେଣ୍ଟ। ଓକେ, ତ ଏବେ ଜାଣିବା ଲିମିଟିଂ ରିଏଜେଣ୍ଟ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପ୍ଲାଏ କରାହେବ। ଏଟା ତ ଜାଣିଗଲେ କେମିତି, ଏଟା ଲେଖିଦିଅ ତାପରେ ଏଟା ଏଟା କେମିତି ମାନେ କ'ଣ ଲିମିଟିଂ ରିଏଜେଣ୍ଟ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପ୍ଲାଏ ହେବ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ନା କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା, କ'ଣ କରିବା ସେଇଟା ଲେଖିବା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଣ୍ଡିସନ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଲିମିଟିଂ ରିଏଜେଣ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ କରାହେବ। ଧର ମୁଁ ଖାଲି ଏ ରୁ ବି କି ନେଉଛି, ତ ଏଠୁ ଯେତିକି ଧର ଖାଲି ଏ ରୁ ବି ରିଏକ୍ଟାଣ୍ଟ କେବଳ ଏ ଅଛି, ପ୍ରଡକ୍ଟ ବି ଅଛି। ଓକେ, ତ ଏଠି ଧର 10 ମଲ୍ ବି ନେଲି, 10 ମଲ୍ ତ ବି ପ୍ରଡକ୍ଟ ବାହାର କରିଦେବ। ଧର ମୁଁ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ନେଉଛି, ତ ଏଠି ଧର ସି ହେଉଛି, ଏଠି 5 ମଲ୍ ଏଠି 10 ମଲ୍, ତ ଏଠି କ'ଣ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ଏଇ ଦୁଇଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ କ'ଣ ଜାଣିଲ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ରହୁଛି ସେଟା ଲିମିଟିଂ ରିଏଜେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ କି? କାହିଁକିନା ଯେତିକି ମଲ୍ ଅଛି ସେତିକି ହିଁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ସେ ବାହାର କରିଦେବ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଦେନ୍ ୱାନ୍ ରିଏଜେଣ୍ଟ ରହୁଛି ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ମୋର ଦେନ୍ ୱାନ୍ ରିଏଜେଣ୍ଟ ରହୁଛି ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ଆମେ ଲିମିଟିଂ ରିଏଜେଣ୍ଟର କନସେପ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବା। ତାହେଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ ଫର୍ ଦ ରିଏକ୍ସନ୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ ଫର୍ ଦ ରିଏକ୍ସନ୍ ହୁଇଚ୍ ହେଭ୍ ମୋର ଦେନ୍ ୱାନ୍ ରିଏକ୍ଟାଣ୍ଟ, ମୋର ଦେନ୍ ୱାନ୍ ରିଏକ୍ଟାଣ୍ଟ। ଓକେ, ତ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଏଟା କାହା ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ ହେଲା ନା, ଯାହାର ଯେଉଁ କ'ଣ ଯେଉଁ ରିଏକ୍ସନ୍ର ତାର ରିଏକ୍ଟାଣ୍ଟର କ'ଣ ଥିବ ମୋର ଦେନ୍ କ'ଣ ଥିବ ୱାନ୍, ଯେଉଁ ରିଏକ୍ସନ୍ର ମୋର ଦେନ୍ ୱାନ୍ ରିଏକ୍ଟାଣ୍ଟ ଥିବେ ସେଇଠି କ'ଣ ଆପ୍ଲାଏ ହେବ ଲିମିଟିଂ ରିଏଜେଣ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ ହେବ। ଓକେ, ଲେଖିଦିଅ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ, ଲିମିଟିଂ ରିଏଜେଣ୍ଟ ଡିସାଇଡ୍ସ ଦ ଏମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ, ଏମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଫର୍ମ, ମାନେ କ'ଣ ନା ଲିମିଟିଂ ରିଏଜେଣ୍ଟ ଡିସାଇଡ୍ କରିବ ଯେ କେତେ ଏମାଉଣ୍ଟର ପ୍ରଡକ୍ଟ ଫର୍ମେସନ୍ ହେବ। ଓକେ, ବୁଝିପାରିଲ? ତ ନେକ୍ସଟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ କହିଲି, ଲିମିଟିଂ ରିଏଜେଣ୍ଟ କେତେବେଳେ ଆପ୍ଲାଏ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ମୋର ଦେନ୍ ୱାନ୍ ରିଏଜେଣ୍ଟ ଥିବେ। ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା କ'ଣ ନା, ଲିମିଟିଂ ରିଏଜେଣ୍ଟ ଡିସାଇଡ୍ କରିବ ଯେ କେତେ ଏମାଉଣ୍ଟର ପ୍ରଡକ୍ଟ ଫର୍ମେସନ୍ ହେବ। ଓକେ, ତ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ନେଇକି ଦେଖିବା ଯେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଲିମିଟିଂ ରିଏଜେଣ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ ହେବ। ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେବା କି? ତ କରିପାରିବାନି, ତ ଦେଖିବା କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପ୍ଲାଏ ହେବ। ଧର ମୁଁ ଗୋଟେ ରିଏକ୍ସନ୍ ନେଉଛି 2A+3B ଗିଭ୍ସ ରାଇଜ୍ ଟୁ 3C+4D। ଓକେ, ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଧର ଏଟା ମୁଁ ନେଲି 10 ମଲ୍, ଏଟା ନେଲି ମୁଁ 20 ମଲ୍। ଓକେ, ତ ମୁଁ ଜାଣି କେମିତି ଜାଣିବି ଯେ ଯେହେତୁ ସେଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୋଏଫିସିଏଣ୍ଟ ଥିଲା ତ ତାହେଲେ ତୁମେ କହିଦେଉଥିଲ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ 2, 3 ଏମିତି ଅଛି ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ଯେ ଏଠି ଲିମିଟିଂ ରିଏଜେଣ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ ହେବ ନା ନାହିଁ, କେମିତି ଜାଣିବି? ତ ଏଇଟା କ'ଣ, ଏବେ ଆସିଯିବା ଆମେ ମଲ୍ କନସେପ୍ଟକୁ। ମଲ୍ କନସେପ୍ଟ କ'ଣ କ'ଣ କହିଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ମଲ୍ କନସେପ୍ଟ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ମଲ୍ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟୋଇକିଓମେଟ୍ରିରେ କ'ଣ କହିଥିଲି, ତାହେଲେ କ'ଣ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ମଲ୍ସ ଅଫ୍ ଏ ଏନ୍ ଅଫ୍ ଏ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ କ'ଣ ତାର ଷ୍ଟୋଇକିଓମେଟ୍ରି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏନ୍ ଅଫ୍ ବି ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ତାର ଷ୍ଟୋଇକିଓମେଟ୍ରି ଯଦି ସମାନ ହେଲା ତାହେଲେ ଏଠି ଲିମିଟିଂ ରିଏଜେଣ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ ହେବନି ଫର୍ମୁଲା, ମାନେ ଏଠି ଲିମିଟିଂ ରିଏଜେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ତ ଟୋଟାଲ ରିଏକ୍ସନ୍ ଯେମିତି ହେଉଥିଲା ଜେନେରାଲି ଯେମିତି ବାହାର କରୁଥିଲା ସେମିତି ବାହାରିବ, ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ଯେ ଷ୍ଟୋଇକିଓମେଟ୍ରି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯେମିତି ହେଉଥିଲା ସେମିତି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏଇଟା ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଏଠି ଲିମିଟିଂ ରିଏଜେଣ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ ହେବ।
माने एन ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए तार स्टोइकियोमेट्री सहित जो डिवाइड कर आउ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी तार स्टोइकियोमेट्री सहित जो डिवाइड कर दुटा कौन है समान है ताले सेटी लिमिटिंग रिएजेंट कौन एप्लाय हबनी जदि अलग है लिमिटिंग रिएजेंट एप्लाय हब तो यहाँ तो जानगले कौटी एप्लाय हब तो आम जानवाजे केमी जानवा कौटारे एप्लाय हब मैंने कौटा लिमिटिंग रिएजेंट हम यही दुटा भितर कौटा लिमिटिंग रिएजेंट हम देख एग्जाम्पल धर ये एन कौन दस मल डिवाइडेड बाय टू तो कत बाहर पाँच एटी धर मु अठर करदे तो कौन ये पाँच बाहर एन ए बै टू एन बी बै थ्री के बाहर एटीन बै थ्री तो सिक्स मल ये कौन सामान अच्छी कि ये छ मल अच्छी ये पांच मल अच्छी तो सामान हो एन ए बै टू इक्वल टू एन बी बै थ्री होटी पाँच एट छनी तो जोटा कम हम सहीटा हम लिमिटिंग रिएजेंट माने ये टू ए हम लिमिटिंग रिएजेंट आउ थे कहीदे ओके लिमिटिंग रिएजेंट एप्लाय हम कि नहीं केमी जानवा ना प्रथम तार नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय द स्टोइकियोमेट्री दुटा रिएक्टेंट नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्री जब मुदेवि धर एन ए बै तार कोएफिशिएंट ए एन बी बै कोएफिशिएंट बी सामान है से लिमिटिंग रिएजेंट एप्लाय हबनी नॉट एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल ओके धर ये एन ए बै ए नॉट इक्वल टू एन बी बै बी है एटी कौन हम ना एप्लीकेबल है लिख ल तो ये एटा एप्लीका जिते इक्वाल हम से एप्लीकेबल हेनी जिते नॉट इक्वाल हम से एप्लीकेबल हम तो पुणी कौन एटा तो जान ले पुणी केमी जानवा कि लिमिटिंग रिएजेंट कौटी लिमिटिंग रिएजेंट लगे ना कौटा लिमिटिंग रिएजेंट हम कौटा हम ना यही दुटा भैल्यू जो एन ए बै ए आन बी बै बी भितर जार लिस्ट भैल्यू हो लिस्ट भैल्यू जार लिस्ट वैल्यू होइतो वो सीए हो वो लिमिटिंग रिएजेंट बुझी पालो जार लिस्ट वैल्यू थी वो ये दीटा भी तो जार लिस्ट वैल्यू थी वो सही था वो तारो लिमिटिंग रिएजेंट ओके ये डा लिखी दियो तो हमें नेक्स्ट कुछ जीवा बुनी तो अबे देखिवा ये रिएक्शन डा ओके तो ये रिएक्शन रे धरो एटा 10 मोल्स देइची एटा 18 मोल्स देइची तो पूर्वरु करतिले जो रिएक्शन डा सेम सेम रिएक्शन ओके तो आम जानीगलु लिमिटिंग रिएजेंट कौन यहाँ तो केमी पूरा प्रोसीजर करुचे केमी लिमिटिंग रिएजेंट बाहर आमती प्रडक्ट क्वांटिटी केमी पाइबा ओके तो फास्ट कौन देखी मुझे स्टेप वन है मुझे देखी जो कौटा लिमिटिंग ये लिमिटिंग रिएजेंट एप्लाय हो ना तो फास्ट तो आने कौन करी एन ए बै टू इक्वाल टू एन बी बै थ्री एट चेक करी इक्वाल टू हो तो ये के एन ए बै टू के एन ए दस दे टेन मल डिवाइड बै टू तो फाइव बाहर एटी एटीन बै थ्री बाहर सिक्स मल बाहर ओके तो ये दुटा बाहर तो यहाँ इक्वाल टू नुहे तो ये लिमिटिंग रिएजेंट एप्लाय हम तो स्टेप टू कौन स्टेप टू रे मुमी जानवि जो कौटा एप्लाय हम जोटा लेस हम से कौन से लिमिटिंग रिएजेंट तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है लिमिटिंग रिएजेंट है ए ओके तो ये दुटा मुझे जाणीगली तो मुझे कौन कही जिते पढ़ेली तार कैरेक्टरिस्टिक्स लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड कर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को तो कौन ना ये जो नंबर ऑफ मॉल्स अच्छी जो नंबर ऑफ मॉल्स अच्छी यहाँ डिसाइड करते अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हम तो आम जिते स्टोइकियोमेट्री में मॉल कॉन्सेप्ट अप्लाई करूँ कौन करूँ ना एन ए बै ए इक्वल टू एन बी बै बी थिला किंतु एटी जेहेतु एन बी बै बी एक्सेस अमाउंट रे अच्छे एटा एक्सेसिव रिएजेंट एटा लिमिटिंग रिएजेंट तो कौन ना कौटी एटी एबे केवल एटा पाई मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई हबो जोटा लिमिटिंग रिएजेंट ता पाई मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई हबो ताले एन ए बै ए प्रोडक्ट तो किछि नै प्रोडक्ट रो तो आमर लिमिटिंग रिएजेंट कॉन्सेप्ट केड केवल रिएक्टेंट रे अप्लाई होची तो प्रोडक्ट आ हिसाब रे फॉर्मेशन हबो तो प्रोडक्ट रे कोन करिवा ताले एन सी बै ताले कौन सी एन डी बै डी यू आम कौन प्रडक्ट पाइबू तो प्रडक्टर एमाउंट तो नंबर अफ मल्स अफ ए के दस बै दुई धर मु सी करुच्ची है एन सी के नंबर अफ मल्स बाहर करार अच्छी तार कोएफिशिएंट केन तो ये के पाँच गुणन तीन एन सी है पंदर
एनसी इक्वाल टू 15 नंबर मोल एनसी बाहर 15। तो डी पाई सेमती देखा डी पाई कौन हम ना 10/2 इक्वाल टू नंबर ऑफ मोल्स केत तार एनसी अच्छी के बाहर करार अच्छी तो डी केत डी है तोर तो एनसी बाई फोर है पाँच एनसी बाई फोर टी तो एनसी केत 5×4 इक्वाल टू 20। ओके बुझिपार तो ये कमी जान लो फास्ट मुझ लिमिटिंग रिएजेंट पड़ो ना नहीं देखी। सेकेंड है कौटा लिमिटिंग रिएजेंट हम तो जेटा लिमिटिंग रिएजेंट है से हिसाब से आम कौन करवा ना से हिसाब से आम एगुड़ा एप्लाय करवा फर्मूला एप्लाय करवा बुझिपार तो लिमिटिंग रिएजेंटर कनसेप्ट केप्लाय हो जो आम लिमिटिंग रिएजेंट पाइलु तो जेटा लिमिटिंग रिएजेंट थी सहीटा डिसाइड कर प्रडक्ट फर्मेसन। ओके तो जो यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट है तेल प्रडक्ट फर्मेसन किए डिसाइड कर ए डिसाइड कर तो से हिसाब से आमर तार कोएफिशिएंट को मोल कनसेप्ट एप्लाय हो तो आम एटा ही एप्लाय करवा आउ एन बी बाय बी एप्लाय करवानी बुझिपार तो यहाँ को नोट्रे लिख तो नेक्स्ट क्वेश्चन करवा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आसवा क्वेश्चन कौन देती ना इफ 54 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम रिएक्टेड विथ 160 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन फाइंड आउट वेट ऑफ प्रोडक्ट। ओके तो एल्युमिनियम देती 54 ग्राम रिएक्ट करती 160 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन फाइंड आउट वेट ऑफ प्रोडक्ट केते प्रोडक्ट बाहर तार वेट आम जानवा। तो मेन इम्पोर्टेंट जिनस कौन ना तुम्हें रिएक्शन जानवा दरकार तोर रिएक्शन जदि न जानते केमी कर क्वेश्चन केमी हो बुझिपार तो केते ऑक्सीजन केते कौन आलुमिनियम सहित रिएक्शन कर कौन प्रोडक्ट बाहर तो रिएक्शन आर कौन ना आलुमिनियम जिते ऑक्सीजन सहित रिएक्शन कै तो फॉर्मेशन कै Al2O3। ओके ताको आम केमी बालान्स करवा ना ये जेहेतु कौन अच्छी ओड नंबर अच्छी तो ये इविल कले ही जाकि मल्टीप्लाई करें तो 3O2 है तो कैसे आलुमिनियम चार्टा तो 4Al इक्वेशन बालान्स हो गला। ओके तो तापर कौन देती ना 54 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम तो ये कौन देती 54 ग्राम दे एल्युमिनियम केत 160 ग्राम ऑफ 160 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन देती तो फाइंड आउट वेट ऑफ प्रोडक्ट आर वेट मागिच। ओके तो वेट मागिया पे आमे आगे कौन करिया ना प्रथमे नंबर ऑफ मोल्स बाहर कर दो नंबर ऑफ मोल्स बाहर करले आमे जानिबा जे एटी अप्लाई होउति ना नाही लिमिटिंग रिएजेंट कांसेप्ट। तो एल्युमिनियम रो वेट केते बाबू एटॉमिक मास केते एल्युमिनियम रो 27 तो केते मोल अछि ताले नंबर ऑफ मोल्स केमिति कैलकुलेट करा जाए वेट डिवाइडेड बाय तार कोण एटॉमिक मास बा मोलार मास तो एटी एटम अछि तो एटॉमिक मास लिखि मु तो वेट केते हिजी 54 ग्राम एटॉमिक मास केते देला 27 आर तो 27 हेले केते हला 2 मोल तो एटी 2 मोल्स हला आउ एटा केते अच्छी ऑक्सीजन केते गोटे गोटे ऑक्सीजन है 60 ग्राम 16 दुईटा हेले केते 32 ताले केते 160 डिवाइडेड बाय 32 केते हबो 5 5 मोल अच्छी। ओके तो एबे आमे देखिबा जे लिमिटिंग रिएजेंट एटी अप्लाई होउजी ना होउजी तो कौन करिबा एटा लिखि दियो तापर आमे तो एटी हला 2 मोल सेटी 5 मोल सेला। ओके तो कौन करवा ना लिमिटिंग रिएजेंट अप्लाई हो ना नहीं कमी जानवा ना एन ए बाई ए करी माने ये आलुमिनियम अच्छी एन ऑफ एल डिवाइडेड बाय तार स्टोकियोमेट्रिक केते अच्छी 4 अच्छी ताले कौन एटी केते अच्छी सेमिति आलुमिनियम रो केते अच्छी एन सॉरी ऑक्सीजन रो कौन अच्छी एन ओ टू बाई तार स्टोकियोमेट्रिक केते 3 तो आलुमिनियम रो केते ताले 2 मोल अच्छी तार स्टोकियोमेट्रिक केते 4 आरो केते अच्छी आरो 5 मोल अच्छी तो स्टोकियोमेट्री 3 तो 5/3 बड़ ना 2/4 बड़ माने 1/2 बड़ ना 5/3 बड़ तो 5/3 बड़ तो ऑटोमेटिकली ये छोट माने कौन लिमिटिंग ये रिएजेंट किए है एल्युमिनियम एल्युमिनियम ताले हैला लिमिटिंग रिएजेंट तो ये लिमिटिंग रिएजेंट कांसेप्ट पड़ो आउ एल्युमिनियम हैला लिमिटिंग रिएजेंट तो प्रोडक्ट के डिफाइन करिवो एल्युमिनियम तो एबे देखिबा ना यार केते आलुमिनियम रो केते प्रोडक्ट माने Al2O3 केते बाहरिबो एटा को आलुमिना भी कहंती। ओके तो केते Al2O3 बाहरिबो तो केते बाहरिबो एबे आमे कोन करिबा ना स्टोकियोमेट्री मोल कांसेप्ट अप्लाई करिबा स्टोकियोमेट्री वाला फार्मूला जेमिति दिला तो लिमिटिंग रिएजेंट रही अप्लाई हेबो एन एल ऑफ
बाई आलुमिनियम तार स्टोकियोमेट्री इक्वाल टू के एन ऑफ एल टू ओ थ्री डिवाइडेड बाय तार स्टोकियोमेट्री दुई। ओके तो आलुमिनियम नंबर ऑफ मोल्स के बाहर करती दुई तार फोर तो एन ऑफ एल टू ओ थ्री के एटी दुई आसिक मल्टीप्लाई दुई एटी मल्टीप्लाई हो टू इंटू टू बै फोर तो वन हो गला इनडायरेक्टली वन इक्वाल टू एन ऑफ एल टू ओ थ्री। तो एल टू ओ थ्री रंबर अफ मल्स पाईगले आम वन। तो जदि एल टू ओ थ्री रंबर अफ मल्स आम पाइलु तार वेट पाइबू कमी ना एन दे कौन वेट वेन मान कौन नंबर अफ मल्स वेट डिवाइडेड बै कौन दिला तार जेहेतु ये मलिकुलटा तो यहाँ मोलार मास हम मलिकुलार मास जेटा तो कैसे हम वेट के नंबर अफ मल्स वन बाहर ला तो मलिकुलार मास के आ रो तो आलुमिनियम रो सतैश दुणे कते 54 ग्राम। ओके ओ थ्री के षोलती अड़चाश तो कैसे है चौवन आठ के बासठ चालीस शहे दुई ग्राम वेट ताले कते बाहर ला तार वेट बाहर ला तार 102 ग्राम। तो जदि मु 54 ग्राम आलुमिनियम नेबी आ 160 ग्राम ऑक्सीजन नेबी तो वेट ऑफ प्रोडक्ट केते बाहरिबो 102 ग्राम। बुझिपाल केमिति हला ना फास्ट आमे करिबा कोन ना फास्ट ताकू लिमिटिंग रेजिन अप्लाई होउछ ना नाही देखिबा केमिति देखिबा ना तारो नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय द स्टोकियोमेट्री करिबी आर भी नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय द स्टोकियोमेट्री करिबी रिएक्टेंट गुडारो। तो जदि सेटा इक्वल न होला इक्वल टू हलानी एटी इक्वल ना मैंने कौन लिमिटिंग रिएजेंट अप्लाई करी लिमिटिंग रिएजेंट पाइली कौटा ना जहाँ स्मॉल थी आलुमिनियम कौन थी लेस थिला तो आलुमिनियम कौन कली लिमिटिंग रिएजेंट अप्लाई कली तो लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड कर प्रोडक्ट फॉर्मेशन तो लिमिटिंग रिएजेंट प्रोडक्ट फॉर्मेशन डिसाइड कला सी जितने डिसाइड कला तो ताले कौन हम तार स्टोकियोमेट्री जो मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई करी तो एन एल डिवाइड बाय फोर इक्वाल टू एन एल टी डिवाइड बाय टू। जदि यहीटा जाणी यही जो केमी एन एल वाई फोर करदेली यहाँ मुझे प्रिवियस क्लास में पढ़े दुईटा क्लास आम केवल स्टोकियोमेट्री कनसेप्ट कराई तो जदि जान ताले प्लेलिस्ट अच्छी आई बटन में देखिए। ओके तो कौन है तो ये मुझे नंबर अफ मल्स पाइली आलुमिनियम ये एल टू ओ थ्री बै डिवाइड कल कि नंबर अफ मल्स पाइली वन। तो कौन ना वेट केमी जान नंबर अफ मल्स है वेट आराम से पाइबी ना यहाँ मुझे मूल रू पढ़ाऊँ मल कनसेप्ट पार्ट टू रू पढ़े आसा। तो कौन वेट बाय मोलार मास कली वेट केते वेट ताले वाला कौन मोलार मास वाला 102 नंबर मोल्स वन तो मल्टीप्लाई कला बेलू वेट बाहर 102 ग्राम। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देला ना नेक्स्ट क्वेश्चन देला इफ 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन देन फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट। ओके तो आम कौन 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन दे दीजिए 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन दे तो प्रोडक्ट वॉल्यूम मांगी आ पूर्वर कौन मांगी मास मांगी मांगला वॉल्यूम। ओके तो कौन ना देखो ये छोट छोट क्वेश्चन कैतिक मोल कनसेप्ट अप्लाई होती प्रथम जो सेकेंड पार्ट में कौन वॉल्यूम पढ़ेली नंबर ऑफ मोल्स पढ़ेली आउ वेट पढ़ेली मोल इन टर्म्स ऑफ वेट मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम आ मोल इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी जो पढ़ेली भाव के अप्लाय हो सब फर्म सब प्रोब्लेम ये जिनस एप्लाय हम मन रखी थोड़ा नीट जे क्वेश्चन करें निहाती आसब ये कनसेप्ट। तो कौन ना रिएक्शन जानवा दरकार तो कौन एन टू हाइड्रोजेन सहित रिएक्शन कले कौन हम एन एच थ्री हम तो रिएक्शन टाटा समस्त अभ्यास एन टू कौन थ्री एच टू कले टू एन एच थ्री हम पूरा इजी। तो यहाँ बालान्स केमी करा भी तुमको मुझे कहीदे तो तुम्हें जदि जाण ताले आई बटन में भिड अच्छी देखीदेव कौन थी एन टू प्लस थ्री एच टू गिव्स राइज टू टू एन एच थ्री। ओके तो एन टू के 28 ग्राम दे एच टू के 10 ग्राम दे कौन दे वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट मागी तो आपको मागी। ओके तो आम कौन देखा फास्ट कौन कही फास्ट देखी जे एट मोर लिमिटिंग रिएजेंट कॉन्सेप्ट अप्लाई होती ना ना तो फास्ट कौन कर नंबर ऑफ मोल्स बाहर करदेवी एन टू नंबर ऑफ मोल्स के 28 तार मोलार मास के हम एन टू रहा 14 × 28 तो 28 हम 28 ही हम तो वन सेमती हाइड्रोजेन कौन ना 10 ग्राम अच्छी तो तार कौन नंबर ऑफ मोल्स फॉर्मूला जानपार तो वेट बाय बाय कौन एटॉमिक मास
ଏଇଟା ମୁଁ କହିଛି ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଭିଡିଓରେ ଅଛି ଏଇଟା। ତ 10 ଗ୍ରାମ ଏଠି ଦେଇଛି, ତାର କ'ଣ ତା ନମ୍ବର ମୋଲ୍ସ ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ? ୱେଟ ବାଇ ତାର ଏଟମି ମାସ ବା ମୋଲାର ମାସ। ତ ୱେଟ କେତେ ଦେଇଛି? 10 ଗ୍ରାମ। ତାର ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଦୁଇଟା ଏକ ଦୁଇଟା ଏଚ୍ ମିଶିକି H2 ମଲିକ୍ୟୁଲ ହେଇଛି, ତ କେତେ 2 ଗ୍ରାମ। ତ 5 ମୋଲ୍, ଏଠି କେତେ ବାହାରିଲା? ଏନ୍ ବାହାରିଲା ଏଠି 5 ମୋଲ୍, ଏଠି ବାହାରିଲା କେତେ? 1 ମୋଲ୍, ଏଠି ବାହାରିଲା 5 ମୋଲ୍। ଓକେ, ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ମୋଲ୍ସ ବାହାର କରିଦେଲି। ଯେତେବେଳେ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ମୋଲ୍ସ ମୁଁ ବାହାର କରିସାରିଲି, ତାପରେ ଏବେ ଦେଖିବି କ'ଣ ଏଠି ଲିମିଟିଂ ରିଏଜେଣ୍ଟ କନସେପ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ। ଓକେ, ତ କେମିତି ଜାଣିବି ଯେ ଆପ୍ଲାଏ ହେଉଛି କି ନାହିଁ? ତ ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ କହିଥିଲି, ନମ୍ବର ଅଫ୍ ମୋଲ୍ସ ଅଫ୍ ଏଠି କ'ଣ ହେବ? N2 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ତାର କୋଏଫିସିଏଣ୍ଟ କେତେ? 1। ଏଠି କ'ଣ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ମୋଲ୍ସ ଅଫ୍ H2 ଏଟା ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଦେବନି, ଦେଖିବ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ। ନମ୍ବର ଅଫ୍ ମୋଲ୍ସ ଅଫ୍ H2 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ତାର କୋଏଫିସିଏଣ୍ଟ କେତେ? 3। ତ ଏଠି ନମ୍ବର ଅଫ୍ ମୋଲ୍ସ କେତେ ଅଛି? 1 ÷ 1, ତାର 1 ହେଲା ତାର। ଏଠି କ'ଣ ଦେଖିଲି ନା, ନମ୍ବର ଅଫ୍ ମୋଲ୍ସ ଅଫ୍ H2 କେତେ ବାହାରିଥିଲା ଏଠି? 5। ତ 5 ÷ 3 କ'ଣ? ତାହେଲେ 1 ଠାରୁ ବଡ଼, ତ ଲିମିଟିଂ ରିଏଜେଣ୍ଟ କ'ଣ ହେଇଗଲା ଏଠି? ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଲିମିଟିଂ ରିଏଜେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ତ ଜାଣିଗଲେ କ'ଣ ଏଇଟା ଲିମିଟିଂ ରିଏଜେଣ୍ଟ ହେଲା, ରିଏଜେଣ୍ଟ ହେଲା ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍। ତ ପ୍ରଡକ୍ଟ କିଏ ଡିଫାଇନ୍ କରିବ? ପ୍ରଡକ୍ଟର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କିଏ ଡିଫାଇନ୍ କରିବ? ପ୍ରଡକ୍ଟର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ତାହେଲେ ଲିମିଟିଂ ରିଏଜେଣ୍ଟ ହିଁ ଡିଫାଇନ୍ କରିବ। କିଏ ସିଏ? ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଲିମିଟିଂ ରିଏଜେଣ୍ଟ ହେଲା। ତ କ'ଣ କରିବା ନା, ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ମୋଲ୍ କନସେପ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ କରିବି ରିଏକ୍ସନରେ? ତ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ମୋଲ୍ସ ଅଫ୍ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ କ'ଣ ତାର କୋଏଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଲା 1, ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ମୋଲ୍ସ ଅଫ୍ NH3 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ତାର କୋଏଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଲା 2। ତ ଏଠି ହେଲା କେତେ? ଏଠି 1 ବାହାରିଲା, କାହିଁକିନା 1 ÷ 1। ତ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ମୋଲ୍ସ ଅଫ୍ NH3 କେତେ ହେବ? 2। ଏଠି ଆସି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଯିବ, ତ 2 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ମୋଲ୍ସ ଅଫ୍ NH3 ହେବ 2। ତ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ମୋଲ୍ସ ଅଫ୍ NH3 ଯେତେବେଳେ 2 ବାହାରିଗଲା, କ'ଣ ଭାଗିଛି? ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ଦ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରଡକ୍ଟ। ଓକେ, ତ ଭଲ୍ୟୁମ୍ କେମିତି କାଢ଼ିବି ନା, କ'ଣ ଫର୍ମୁଲା ଥିଲା ଭଲ୍ୟୁମ୍ ପାଇଁ? ଏନ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା? ଟୋଟାଲ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ତାର କ'ଣ ରେଫରେନ୍ସ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି। 1 ମୋଲ୍ କେତେ ଏକ୍ୱାର କରୁଥିଲା STPରେ? ଏଠି ପୁଣି କଣ୍ଡିସନ ଦେଇଥିବ ଏଟ STP, ଯଦି ଏଟ STP ଦେଇନଥିବ ତାହେଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଭୁଲ। ଓକେ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତ ଭୁଲ ନୁହେଁ, ତ ତାପରେ PV ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ NRT ଆପ୍ଲାଏ କରିକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ବାହାର କରିବ। ତ ପ୍ରେସର ବି ଦେଇନି, ତ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଦେଇନି, ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନିହାତି STP ଦେଇଥିବ। STPରେ 1 ମୋଲ୍ ହେଲେ କେତେ ହବ? 22.4 ଲିଟର। ତ ଏଟା ରେଫରେନ୍ସ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କେତେ? 22.4 ଲିଟର/ମୋଲ୍। ତ ଏଠି କେତେ ହେଇଛି? ମୋଲ୍ କେତେ ହେଲା? 2 ମୋଲ୍ ଦେଇଛି, ତ ଭଲ୍ୟୁମ୍ କେତେ ହବ? ଏଠି ଆସି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦେଲେ କେତେ ହବ ଭଲ୍ୟୁମ୍? ଭଲ୍ୟୁମ୍ ହବ 2 ×22.4 = 44.8 ଲିଟର। ତ କ'ଣ 28 ଗ୍ରାମ ଅଫ୍ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ 10 ଗ୍ରାମ ଅଫ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ସହିତ ରିଆକ୍ସନ୍ କଲେ କେତେ ଗ୍ରାମ ବାହାରିଲା? NH3 ବାହାରିଲା 44.8 ଲିଟର ବାହାରିଲା ତାର କ'ଣ ତାର ଭଲ୍ୟୁମ୍ ବାହାରିଲା। ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରାହେବ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିବା ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ତ ସେଇଟା ବି ଯେତିକି ଏତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କଲି ଏତିକି ହିଁ କାଫି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆହୁରି ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିବା। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଥିଲା? ଇଫ୍ 0.5 ମୋଲ୍ ଅଫ୍ ବେରିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଇଜ୍ ମିକ୍ସଡ୍ ୱିଥ୍ 0.2 ମୋଲ୍ ଅଫ୍ ସୋଡିୟମ୍ ଫସ୍ଫେଟ୍, ଦେନ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ବେରିୟମ୍ ଫସ୍ଫେଟ୍ ଦେଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଫର୍ମ। ଓକେ, ତ ଦେଇଦେଇଛି ପଏଣ୍ଟ ରିଏକ୍ସନ୍ ଆଗେ ଲେଖିଦେବା। ତାହେଲେ କ'ଣ ନା, ବେରିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଦେଇଛି, କାହା ସହିତ ରିଏକ୍ସନ୍ କରିଛି? ସୋଡିୟମ୍ ଫସ୍ଫେଟ୍ ସହିତ ରିଏକ୍ସନ୍ କରିଛି। ତାପରେ କ'ଣ ବାହାରିଛି ନା, ବେରିୟମ୍ ଫସ୍ଫେଟ୍ ବାହାରିଛି। ଓକେ, ତ ଆଉ କ'ଣ, ଆଉ ଯାହା ବାଇ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଯାହା ବାହାରିଲା। ଓକେ, ତ ରିଏକ୍ସନ୍କୁ ବାଲାନ୍ସ କେମିତି କରିବା? ଏଠି 3ଟା ବେରିୟମ୍ ଅଛି, ତ ଏଠି 3 ଗଲି। ଓକେ, ପ୍ଲସ୍ ଏଠି NaCl ବାହାରେ। ଓକେ, ତ କ'ଣ ହେଲା ନା, 3 ବେରିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ କଲି ଏଠି, ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ? ଏଠି ଅଟୋମେଟିକ 3 NaCl ହେଇଯିବ। ତ କେତେ ହେଲା? 6ଟା କ୍ଲୋରିନ୍ ଅଛି, ତ ଏଠି 6ଟା କ୍ଲୋରିନ୍ ଅଛି, ବେରିୟମ୍ 3ଟା ଅଛି, ତ ସୋଡ଼ିୟମ୍ କେତେ? ଏଠି 2 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବି, ତ 2 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲି, ତାହେଲେ 2 ହେଲେ କେତେ ହେଲା? ତ ସୋଡ଼ିୟମ୍ 6ଟା ହେଲା, 6 NaCl ହେଇଗଲା। ବେରିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ 3 ହେଲା, 3 ହେଲା, ତାପରେ ଇଏ ଫସ୍ଫେଟ୍ ବି 2ଟା ହେଲା, ଇକ୍ୱେସନ୍ ବାଲାନ୍ସ ହେଇଗଲା। ଓକେ, ତ 3 BaCl ଟୁ 2 Na3PO4 BA3PO4 ହୋଲ୍ ଟୁ 6 NaCl।
तीनटा बेरियम थिला, तीनटा बेरियम हला क्लोरीन छोटा छोटा एटी, छोटा सोडियम दुईटा फॉस्फेट दुईटा फॉस्फेट, इक्वेशन बैलेंस। तो इक्वेशन बैलेंस हो सारा पर तो एटी कर देजी ना 0.5 मोल, 0.5 मोल बेरियम क्लोराइड देजी, आउ 0.2 मोल कौन देजी सोडियम फॉस्फेट देजी, देन मैक्सिमम अमाउंट एटा केते अमाउंट रो फॉर्मेशन होबो। तो एबे जीवा कौन ना एटी लिमिटिंग रिएजेंट कॉन्सेप्ट अप्लाई होजी ना नहीं, स्टेप वन स्टेप मन रख। तो कौन लिमिटिंग रिएजेंट कॉन्सेप्ट अप्लाई होजी ना नहीं केमिति जानिबा, नो एन ऑफ बेरियम क्लोराइड डिवाइडेड बाय तार स्टोइकियोमेट्री ला एन 3, तापर के 0.5/3। तो ये देखा कौन ना कौन एन ऑफ Na3PO4 माने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na3PO4 डिवाइडेड बाय तार स्टोइकियोमेट्री ला 2, तो तार स्टोइकियोमेट्री के Na3PO4 0.2 थिला, तो डिवाइडेड बाय ला 0.1। तो 0.1 लो तो 0.5/3 निहाती बड़ो, तो ताले कौन है लिमिटिंग रिएजेंट किए है, एटा है लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट है सोडियम फॉस्फेट। तो आ हिसाब से प्रोडक्ट बाहर, तो ये क्वेश्चन कले निहाती जान पार्थ्य है। तो यहाँ जो या हिसाब से प्रोडक्ट बाहर, तो जो प्रोडक्ट बाहर तेरे कौन कर तो ये प्रोडक्ट जितने बाहर तो मुझे कौन करी लिमिटिंग रिएजेंट, तो कौन करी एन ऑफ एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na3PO4, तो मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई करी Na3PO4 डिवाइडेड बाय तार 2 इक्वल टू, एटी कौन तार किसी कोफिशिएंट नहीं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसी कोफिशिएंट था नहीं माने कौन 1, तो PO4 होल 2, तो एटा ला केते तो डिवाइडेड बाय 1, तो एटा इक्वल टू समान है सहित। तो केते ला एटी केते बाहर दिला 0.1 बाहर दिला, कहने देखो 0.2 देइतिला, 0.2 देइची मोल डिवाइडेड बाय 2, तो 0.1, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेरियम क्लोराइड बेरियम फॉस्फेट केते बाहरिबो, बेरियम फॉस्फेट बाहरिबो 0.1 मोल। ओके तो एमिति क्वेश्चन तुम्हें कर पार, तो एमिति क्वेश्चन आसुची। ओके यही टाइप रो क्वेश्चन आसे जनरल तुम बोर्ड एग्जाम रे नीट रे जाई रे बेले बेले पचार दिए, तो ये क्वेश्चन गुड़ा इम्पोर्टेंट, तो ये क्वेश्चन तुम्हें प्राक्टिस करो। ओके तो जोटी जदि प्राक्ट करो, जो भी डाउट रहा कमेंट करो। ओके डाउट जो भी डाउट रो तो आम क्लीयर करदे। ओके से भितर भलसे सब जिन पढ़ापढ़ी कर। All the best. Thank you.